बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के भी देखने वाले हैं जो भी छात्र बीए सेकेंड ईयर में है तो उनका कल पेपर होने वाला है। 2 जुलाई को पेपर होने वाला है, 2/7/2022 को पेपर होने वाला है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2 जुलाई को कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। एमजेपी अरुणखंड यूनिवर्सिटी बरेली वाले के छात्रों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। यही क्वेश्चन पढ़ के चले जाना। पहला पेपर आपने देखा हुआ जो मैंने बताया था वही क्वेश्चन आए और आज भी मैं आपको बता रहा हूँ जो पेपर में जो बता रहा हूँ वही पेपर में क्वेश्चन आएंगे। तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और ज्यादा ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है क्योंकि पेपर हैकर हमेशा आपका साथ देगा। और जैसे ही आपका पेपर होता है पेपर को तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर 70 मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7037327838 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर तुरंत आप मैसेज करेंगे और उसको तुरंत फोटो को भेजेंगे। जो फोटो आपका पेपर होगा पेपर की फोटो को सारे भेजेंगे, पीडीएफ बनाकर मुझे भेज सकते हैं ताकि उसको मैं एक एक पॉइंट क्लियर कर सकूं। देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया था वही पेपर में आया। चलो अभी सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, समझ रहे सभी लोग को दोस्तों को शेयर कर देंगे वीडियो को। अब देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। पहला देखो ये है हमारा एजुकेशन का सेकंड पेपर है, एजुकेशन का फर्स्ट पेपर हो चुका है। शिक्षा में विचार और अभ्यास के बारे में यहां बोला गया है, ठीक है, थॉट एंड प्रैक्टिस इन एजुकेशन के बारे में। देखो पहला क्वेश्चन आपको ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि शिक्षा है क्या, एजुकेशन कहते किसे हैं, ये क्वेश्चन आपको याद करना है कि बेटा एजुकेशन किसे कहते हैं। ये टिक लगा लो अपने बुक नोट्स गैस पेपर जो भी आपके पास है उस पर टिक लगा लो, ठीक है। एजुकेशन क्या है और आपसे बोला गया है इसकी विशेषतात्मक अर्थ, मतलब कि इसकी परिभाषा आपको बतानी है, वो भी विशेषात्मक बतानी है और इनकी प्रक्रिया के द्वारा बतानी है और संकुचन अर्थ, मतलब कि ये आप संकुचन के आधार पर इसकी परिभाषा बता दो, इसकी क्या विशेषता है तो विशेषणात्मक के आधार पर आपकी परिभाषा बताओ, लेकिन आपको बस परिभाषा लिख दी है बाकी कुछ नहीं है। यहां पूरा क्वेश्चन का यहां से लेकर यहां तक का ये क्वेश्चन का मतलब है बस शिक्षा की परिभाषा बता दो, बस क्या है ये आपको लिखना है, ठीक है। अब यहां बोला गया है दर्शन क्या है, दर्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके विषय क्षेत्र कौन से विषय क्षेत्र में इसकी सबसे ज्यादा भूमिका होती है दर्शन क्षेत्र की, और यही आपसे पूछेगा कि दर्शन है क्या, ठीक है, और इसके विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। और यहां पूछा गया है दर्शन और शिक्षा में, यहां देखो एक क्वेश्चन ये है और आपको ये कथन 100% देखने को मिलेगा पेपर में आपसे पूछेगा, लेकिन यहां लॉन्ग और शॉर्ट में आपको घबराना नहीं है कि लॉन्ग कौन सा है शॉर्ट कौन सा है। आपके बुक में नोट्स में यदि लॉन्ग में है तो लॉन्ग में याद कर लीजिए, शॉर्ट में है तो शॉर्ट में याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके बुक नोट्स गैस पेपर में सब कुछ होगा कि भाई ये शिक्षा क्या है, तो उसमें शॉर्ट में भी हो सकता है लॉन्ग में हो सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग में दे रखा है तो लॉन्ग में याद करिए, शॉर्ट में दे रखा है तो शॉर्ट में याद करिए, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, ये है शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस कथन की कथन किसका है और इसका वर्णन करो, इस तरीके से पूछेगा, तो आपको इस क्वेश्चन को देखना है। अब देखो यहां देखो कुछ क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक होता है आदर्शवाद क्या होती है, उसकी विशेषता उसके उद्देश्यों के बारे में याद करना है कि आदर्शवाद की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। वही है प्रयोजनवाद क्या होता है और यथार्थवाद क्या होता है, ये आपको उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में देखेंगे। अरविंद घोष के शिक्षा संबंधी विचार मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो पॉइंट मैं आपको ये बता रहा हूं ये क्वेश्चन को पढ़ के जाना, आदर्शवाद पढ़ लेना, ठीक है, प्रयोजनवाद पढ़ लेना और यथार्थवाद पढ़ लेना और अरविंद घोष की शिक्षा के संबंधित विचारों को पढ़ के जाएंगे, ठीक है। और ये देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा संबंधी विचार, मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा के विचारों में क्या कहा भाई, शिक्षा किस तरीके से होनी चाहिए, उन्होंने अपने विचार दिए भाई शिक्षा में ये बदलाव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वही आपसे पूछेगा महात्मा गांधी द्वारा शिक्षा के विचार उनके सिद्धांतों को बताइए, ठीक है, ये अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। और उसके बाद में है देखो किंडरगार्टन प्राणी सिद्धांत उनकी शिक्षक विधि और मूल्यांकन, इस क्वेश्चन को भी आप देख के जाएंगे। ये क्वेश्चन जो भी आप ब्रैकेट में दे रहा हूँ बंद कर रहा हूँ ना बॉक्स में, इन क्वेश्चनों को रट के जाना है, पेपर में यही छपेगा, ठीक है। उसके बाद में नीचे जाओ, यहाँ है डाल्टन कह सकते हैं प्रविधि क्या होती है, इसके सिद्धांत उनके उद्देश्यों को देख के जाना है डाल्टन प्रविधि के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ कह रहा है प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट को योजना कहते हैं, योजना पद्धति की व्याख्या मतलब और सिद्धांत, मतलब योजना पद्धति क्या है उसकी परिभाषा बताओ, उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। अनुशासन क्या होता है आप ये देख रहे हैं, अनुशासन के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रगतिवाद क्या होती है, प्रगतिवाद के बारे में आप याद कर लेना, प्रगतिवाद और पाठ्यक्रम का वर्णन दोनों बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और यहां आपसे पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय की विशेषता, जो अंतरराष्ट्रीय जो इंटरनेशनल होते हैं ना इंटरनेशनल विश्वविद्यालय उनकी विशेषताएं क्या हो, क्या उद्देश्य से वो खोले जाते हैं। अभी हमने देखो बरेली में एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, बहुत छात्र पढ़ते हैं उसमें, तो उसका क्या मतलब होता है वो आपको देखना है, ठीक है, उनकी विशेषताएं क्या है। और ये गुज्जू भैया है उनका योगदान क्या रहा है शिक्षा के क्षेत्र में, जो गुज्जू भैया है उनका योगदान क्या रहा है, उनके कार्यों के बारे में याद करके जाना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और वहीं आपसे बात करते हैं बाल देवो भाव क्या होता है, ये क्या है इसके बारे में आपको देख लेना है, बाल देवो भाव गांधी जी की
बुनियादी शिक्षा, बुनियादी शिक्षा इज मोस्ट इंपोर्टेंट, 100% पूछी जाएगी, शॉर्ट में हो लॉन्ग में हो। आपके बुक गैस पेपर में शॉर्ट में दे रखे तो शॉर्ट में याद करिए, लॉन्ग में ये क्वेश्चन दे रखा है तो लॉन्ग में याद करिए, घबराने की जरूरत नहीं है, बस ये देखना ये क्वेश्चन है कहाँ, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद द्वारा स्त्री विचार क्या किया, स्त्री की शिक्षा पर विचार क्या किए गए थे, बस स्त्री की शिक्षा का विचार देख लेना स्वामी विवेकानंद द्वारा। ये आप 2022 जो आपका 2 जुलाई 2007 2022 को पेपर होने वाला है उसकी बात करने वाला हूँ। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 80% प्लस लाएंगे क्योंकि आप 2022 के टॉपर बनने वाले हो। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और 4-2 इसका खींच के जरूर देना जो भी आपका पेपर हो जाए, ठीक है, तुरंत मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो। बाकी इसका रिव्यू करा सकूंगा क्योंकि जो क्वेश्चन आए हैं वही बताऊंगा, देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया वही क्वेश्चन आया, ये आप देख सकते हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।